बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूँ और आदरणीय अध्यक्ष जी से, दादाजी से अपने काव्य पाठ करने की इजाजत चाहता हूँ। दादा स्वागत है, स्वागत है। दादा कह रहे हैं कि इजाजत है, तो एक बार आप लोग भी ताली बजा के इजाजत दे दीजिए, फिर जैसे जैसे जहां जहां अच्छा लगे ताली बजाते रहिएगा। पुलिस विभाग में इंस्पेक्टर हूं, बहुत अपनी समझ से बहुत अच्छी कविताएं पढ़ता हूं, बावजूद इसके मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। संचालक जी, अच्छी अच्छी कविताएं पढ़ने के बावजूद भी मेरा करियर सेट नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं सेट हो पा रहा है उसकी वजह आपको बताता हूं। मैं एक जगह कविता पढ़ने गया और मैंने अपनी समझ से बहुत ही शानदार कविता पढ़ी, बहुत शानदार कविता पढ़ी हास्य की। सामने एक नौजवान बैठा था, वो एकदम आंख लाल लाल करके मेरी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, भाई मैंने इतनी अच्छी कविता पढ़ी, तुमने न ताली बजाई न शाबाशी दी और आंख लाल करके मेरी तरफ देख रहे हो, क्या बात है, कविता पसंद नहीं आई? उसने कहा, कविता पसंद आई है। तो हमने कहा, फिर इतना गुस्सा क्यों हो? तो उसने मुझसे कहा कि तुमने मेरा चालान किया था। जरा अच्छा मैंने तो एक बार ताली बजाओ भाई, ऐसे नहीं चलेगा। कहा तुमने मेरा चालान किया था। मैंने कहा, उस बात को भूल जाओ कि मैंने तुम्हारा चालान किया था, परिस्थितियां रही होंगी, करना पड़ा होगा, तुमने कुछ दिया नहीं होगा, तुमने कुछ दिया नहीं होगा, तो अब आगे सुनो, मैं सुनाता हूं। उसने कहा, ठीक है सुनाओ। मैंने फिर से सुनाई, वो और आंख मेरी तरफ लाल करके देखने लगा। जब आंख लाल करके देखने लगा तो मैंने कहा, तुमने वादा किया था कि मेरा चालान जो मैंने किया था वो भूल गए हो, तो फिर आंख क्यों लाल कर रहे हो? उसने कहा कि वो बात तो मैं भूल गया, लेकिन एक बात भुलाए नहीं भूलती है। मैंने कहा, क्या? उसने कहा, तुमने मेरे बाप का भी चालान किया था। बहुत सही। और संचालक महोदय, मेरी जो शादी हुई, अच्छा, हाँ एक हुई थी, हुई थी। अरे मेरी जो वो तो आपने चालान किया था, इसलिए ताली नहीं बजा रहा था। मैंने कविता पढ़ रहा था, आनंद बैठे हुए, ये ताली नहीं बजा रही थी। नहीं नहीं, मैंने जाकर पूछा, क्यों नहीं ताली बजा रही? कहीं तुम्हारी शक्ल मेरी सास से मिलती है। क्या बात है। तो मेरी मनपसंद शादी क्यों नहीं हो सकी, वो चार लाइन में मैं आपको बताता हूँ कि तिल का भला क्या रोता, वो ताड़ ले गया। तिल का भला क्या रोता, वो ताड़ ले गया। तिल का भला क्या रोता, वो ताड़ ले गया। पत्थर के नाम पूरा ही पहाड़ ले गया। तिल का भला क्या रोता, वो ताड़ ले गया। पत्थर के नाम पूरा ही पहाड़ ले गया। और बांधी थी मैंने जिसमें उसे पाने की ताबीज, तो वो पेड़ ही नगर निगम उखाड़ ले गया। बीच बीच में हल्का मत करिए भाई मामला, सब लोग ताली बजाते रहिए। और यहाँ आदरणीय दमदार जी, स्वागत है। यहाँ काफी संख्या में महिलाएं बैठी हुई हैं, सामने बैठी हुई हैं और इधर जो है पीछे भी बैठी हुई हैं। तो मैं चार लाइन में आपको अच्छा नहीं लग रहा क्या? नहीं नहीं, अच्छा लग रहा है। तो चार लाइन में मैं इनके लिए क्या प्रार्थना करता हूं कि हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना। हंसी खुशी जिंदगी में सदा ही बहार रहे, दिन भगवान कोई दुख के दिखाए ना। और कंचन कमनीय काया सदा रहे आपकी, कोई कमजोरी और रोग भी सताए ना। और पति सदा, चौथी लाइन आराम से, पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कोई कम पति सदा पल्लू में ही बंधा रहे आपके, कुछ आप कहें कान पूछ भी हिलाए ना। और रूप सौंदर्य दिन रात बढ़े आपका, और सरकार इस पर टैक्स भी लगाए ना। क्या कहने, बहुत अच्छे। यहाँ लड़के बैठे हुए हैं और
पुलिस की भर्ती आती है तो पूछने लगते हैं कि पुलिस में आने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए, और हम और मनीष मधुकर साहब साथ में थे, दिल्ली पुलिस से आए, तो इन्होंने अपनी योग्यता बताई कि इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, इतना सीना बनाना चाहिए। तो इनके आगे का फिर हमने बताया, हमने चार लाइन में बताया कि भाई देखो, दिल्ली पुलिस का दिल्ली पुलिस जाना है, लेकिन अगर यूपी पुलिस में आना है तो आने के लिए और आने के बाद ये चार चीजें आपके अंदर होनी चाहिए। उन्होंने कहा क्या, हमने कहा कि 5 फीट 7 इंच ऊंचाई हो आपकी और 5 सेमी सीने को फुलाना आना चाहिए, और भेद बदमाश का जो लेने जाओ ऐसे लोग, आंख से भी काजल चुराना आना चाहिए, और फायर बदमाश जो तुम पर करे तो बेटा तुमको भी गोलियां चलाना आना चाहिए, और दूर देश जाके बदमाश जो सरेंडर करे तो तुमको भी कार पलटाना आना चाहिए। जब आ रहा था बनारस के लिए तो बाबूजी ने पूछा कि कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा बनारस, उन्होंने कहा क्यों जा रहे हो, तो हमने कहा कि बाबू उल्लू बनने जा रहा हूं, मैंने कहा बाबू उल्लू बनने जा रहा हूं, तो उन्होंने कहा कि क्या यहाँ कम उल्लू हो तो बनारस में जाकर के उल्लू बनोगे। गंदार बनारसी ने कहा कि भैया आना है आपको तो हमारे यहाँ कब सम्मेलन, हमने कहा कि बनारस का कब सम्मेलन है, बहुत बड़ा कब सम्मेलन होता है, हम लोग कहाँ वहां सेट हो पाएंगे। तो दमदार बनारसी कहे भैया ऐसा रहा कि अब की चंदा उंदा ठीक से हुआ नहीं है तो सब झंडुए कभी बुलाए हैं आप आए जाओ। और दसवीं में भैया दमदार हमने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, स्वागत है, बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है, जेका जेका मंच पर आवक है भाई मंच पर आ जा, शुरू करें। जो है दसवीं में, दसवीं बार फेल होने पर, दसवीं में दसवीं बार फेल होने पर मेरे पिताजी ने कहा कि नालायक तुझे शर्म नहीं आई है, नालायक तुझे शर्म नहीं आई है, पड़ोस के शर्मा जी की लड़की को देख पूरे शहर में फर्स्ट आई है। मैंने कहा बापू तुम्हारी बात मान मान के ही ये सारे खेल हुए हैं, शर्मा जी की लड़की को क्या देखूं, अरे उसी लड़की देख देख के तो हम 10 साल से फेल हुए। मैं चाहता हूं एक बार आगे पीछे ताली बजा दीजिए आप लोग, मजा आ जाए भाई। जैसे आप लोग कब सम्मेलन देख रहे हो यहाँ, ऐसा नहीं है कि हम पुलिस वाले कब सम्मेलन नहीं कराते हैं, हमने अपने थाने में कब सम्मेलन कराया। ये कभी लोग जो यहाँ देख रहे हो आप कि बड़ा त्याग तपस्या बलिदान भाईचारा बंधुत्व की बात करते हैं, लेकिन जब इनका मामला आता है तो ये अपने लिफाफे से 25 पैसा भी नहीं छोड़ते हैं। ये सच्चाई है। हमने थाने में कब सम्मेलन कराया, किसी ने 25,000 मांगा, किसी ने 50,000 मांगा, किसी ने 1,00,000 मांगा, जिसने जो मांगा ईमानदारी से हमने कहा आ जाओ कब सम्मेलन करो अपना पेमेंट लो। ये लोग आए, दमदार बनारसी भी आए, इन्हीं का संचालन भी था। जब कब सम्मेलन खत्म हुआ, मैंने सबके हाथ में जिसका 25,000 तय था, 25,000, 50,000, 1,00,000, जिसका जो तय था ईमानदारी से हाथ में रख दिया। इनकी आंख में आंसू आ गए, रोने लगे एकदम, कहे भैया हम तो बड़े अज्ञान में थे लेकिन आज एक बात जान गए हैं। हमने कहा क्या जान गए हो, कहे आज हम ये जान गए हैं कि पुलिस देना भी जानती है। हमने कहा सब जानते हैं, तो इन्होंने कहा भैया तो क्या अब हम जा सकते हैं, अरे हमने कहा पैसा दे दिए जाओ यार, आगे चौराहा पड़ता था। ताली बजा दो यार, मजा आ जाएगा।
चौराहा पड़ता था, वहां हमने चेकिंग लगवा दिया। अब चेकिंग लगवा दिया, दमदार वैसे तो हास्य के कभी हैं, लेकिन उस दिन रात में पढ़े थे कि देशद्रोहियों को पिस्तौल से मारूंगा, पिस्तौल से मारूंगा, पिस्तौल से मारूंगा। हमने इनको पकड़ लिया, हमने कहा दमदार भाई वो पिस्तौल हमको दे दो। इन्होंने कहा पिस्तौल कहाँ, हमने कहा कि नहीं नहीं रात में कहे हो कि पिस्तौल से मारे हैं मारेंगे, और अगर कहे हो तो देना पड़ेगा। तो इन्होंने कहा नहीं है, तलाशी ले लीजिए। हमने इनको इनकी गाड़ी से 150 कदम दूर सिपाही के साथ हटा दिया, और फिर मैंने इनकी गाड़ी तलाशी लिया। ईमानदारी से विश्वास मानिए, इनकी गाड़ी से फिर पिस्तौल बरामद हुई। अब ये कभी लोग कहने लगे कि दमदार के पास से बरामद हुई है पिस्तौल, तो दमदार जेल में हमसे क्या मतलब है। हमने कहा नहीं भाई, ऐसा मेरे मुखबिर ने बताया है कि पूरा गिरोह रात में कहीं साथ में रहा है। तो कहने लगे कि गिरोह कहे बंद कर दिया भैया, हेलो क्या हुआ भैया, बुरा पसंद नहीं है, अरे क्या कह दिया भैया, लगा यार, और एक बार ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ, ताली बजाओ। हेलो, उस गिरोह में ये भी पकड़ाया था। तो हमने कहा कि ऐसा मेरे मुखबिर ने बताया है कि पूरा गिरोह रात में कहीं साथ में रहा है। तो दमदार कहने लगे कि कहां साथ में क्या रहा है, तुम्हारे थाने में एक कब सम्मेलन किया है, तुम खुद गवाह हो। हमने कहा माफ करना यार भाई, पुलिस की गवाही अदालत में नहीं मानी, हमारी हमारी बरामदगी मानी जाती, गवाही नहीं मानी जाती है। फिर जिससे जो तय था 25,000 50,000 1,00,000 धीरे धीरे सबसे मैंने वापस ले लिया। ये दमदार कहने लगे कि भैया आपने पैसा दिया और वापस ले लिया, बड़ा अच्छा किया, लेकिन एक बात बता दीजिए कि आपको पैसा जब वापस लेना था तो फिर कविता हो चुकी थी, तो देने का नाटक आपने क्यों किया। हमने कहा दमदार सुनो भाई, जो पैसा हमने दिया था वो हमारा फर्ज था, जो लिया है यही हमारा असली धंधा है। बहुत अच्छे, वाह सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। आप लोग में बुलाए गए, लग रहा है महापुरुष में भी चलेगा। जय हो जय हो जय हो। तो गजब हो गया पिछली रात में, गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। गजब हो गया पिछली रात में, एक कैदी मर गया थाने की हवालात में। मुसीबत भारी क्या क्या बताएं, मुसीबत भारी क्या क्या बताएं। जांच करने कप्तान साहब थाने पर आए, उन्होंने पूछा कि क्या इसे किसी ने पीटा था या करंट लगाया था। सिपाहियों ने कहा नहीं साहब, ना तो किसी ने पीटा था न करंट लगाया था, मगर कोतवाल साहब ने इस कैदी को सारी रात हवालात में अपनी कविता सुनाया था। हमारी ड्यूटी में कोई नहीं लोप है, मर गया कैदी ये इनकी कविता का प्रकोप है। कप्तान साहब ने कहा तुम्हें फांसी का दंड मिलेगा, बहुत सुनाते हो कविता, सबका मजा एक साथ मिलेगा। मैंने कहा हुजूर मैं मरने से पहले अपने अंतिम इच्छा वाले अधिकार को भुनाना चाहता हूं, भुनाना चाहता हूं, और मेरे हुजूर बुरा ना माने तो आज रात यही कविता मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और ताली थोड़ा सा कमजोर है, एक बार ठीक से आप लोग बजा दो जैसे पहले शुरू रहा, क्योंकि चलती चलती ट्रेन अचानक रुक जाए तो फिर ज्यादा ऊर्जा चाहिए होती है उसके लिए। तो आप लोग जो मैं पढ़ने जा रहा हूँ अच्छा लगे तब भी बजाइए, नहीं अच्छा लगे तब भी बजा दीजिए, एक बार हिम्मत बढ़ जाएगी मेरी। अपनी पत्नी से मेरी जो बातचीत हुई कि मैंने कहा, और पूरी चारों लाइन ध्यान से सुनिएगा तभी समझ पाएंगे, हास्य में हमारे पास न श्रृंगार है न रूप है और न गला है,
तो हमारे शब्द हैं उन्हें सुनना पड़ेगा, भाव है कि मैंने कहा पर मैंने कहा सुनिए, पत्नी से मैंने कहा कि मैंने कहा सुनिए, जो कुत्ते को खिलाते खाना उस घर दुख हो सवाल नहीं होता है, सुख शांति सर्वदा उस घर वास करे, उस घर कोई भी बवाल नहीं होता है, और यश वैभव धन धान्य परिपूर्ण रहे, यश वैभव धन धान्य परिपूर्ण रहे, कभी कभी भी वो घर कंगाल नहीं होता है। तो पत्नी ने कहा कि तुम्हें बरसों से खिला रही हूं, पत्नी ने कहा कि तुम्हें बरसों से खिला रही हूं, फिर क्यों घर खुशहाल नहीं होता है। वाह भाई वाह, बहुत अच्छे, वाह क्या बात है। तालियां थोड़ी सी कमजोर रही आपकी, एक बार भाई ऐसे नहीं जमेगा। श्री कृष्ण जी मिल गए, कहने लगे कि अवतार लेना चाहता हूं, अवतार लेना चाहता हूं, और यही बनारस उनारस के साइड में कहीं अवतार ले लूं। हमने कहा प्रभु वो द्वापर युग था जो निभ गया, अब जो है समस्याएं आएंगी। उन्होंने कहा बताओ क्या समस्या आएंगी। हमने कहा कि सुनिए प्रभु, चार लाइन में मैंने बताया प्रभु को समस्या कि आओगे कन्हैया दोबारा इस देश में तो तुमको तुम्हारा ही जुनून मार डालेगा, कदम की ठंडी छांव भूल जाओगे कान्हा, गर्मी से तुम्हें मई जून मार डालेगा, और चाकूसा यह चाकूसा रखाए चाकूसा रखाए, अब घूमती है गोपियां तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा, चाकूसा रखाए अब घूमती है गोपियां तुमको तो इनका नाखून मार डालेगा, और गली गली मुरली बजाना न कान है एंटी रोमियो वाला कानून मार डालेगा। और यहां बनारस है, बनारस के नौजवानों के बारे में कहा जाता है कि बड़े उत्साही नौजवान होते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उत्साह के मामले में जो बनारस के नौजवान हैं वो पूरे विश्व में किसी से तो नहीं पीछे हुए, लेकिन अपने बुजुर्गों से पीछे हैं। यहाँ का बुजुर्ग जो है और जमा दिल है। अभी मैं बाहर टहल रहा था, चाय पीने के लिए गया था, तो एक दादा 80-85 साल के देखते देखते मिल गए, कहे बेटा कवि सम्मेलन में आए हो कविता पढ़ने के लिए। हम कहे हाँ दादा कविता पढ़ने आए हैं। तो कहे बेटा कोई कवियत्री अवियत्री लाए हो। हमने कहा दादा तुमसे क्या मतलब, तुम्हारी उम्र अब कवि पढ़े या कवियत्री पढ़े तुम्हें सुनना है केवल। कहे बेटा सुन तो तुम्हारी भी लेंगे, लेकिन बेटा माफ करना तुमसे वो फीलिंग नहीं आती है। बहुत सही, बहुत सही। कि दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, दबे वो पांव चलते हैं मगर आहट नहीं जाती, बुढ़ापे में भी शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, और बुढ़ापा जीते हैं ऐसे जवानी छाई हो जैसे, ये मिर्चे सूख जाते फिर भी कड़वाहट नहीं जाती। बहुत अच्छे भाई, वाह। और अभी आप लोगों ने देखा कि चंद्रयान 3 हुआ, इसका मतलब चंद्रयान 2 हुआ, चंद्रयान 1 हुआ, तो वास्तव में जब चंद्रमा पर पहला आदमी पहुंचा तो क्या हुआ था, दमदार भाई मैं बताता हूँ, एकदम असली असली बात बताता हूँ कि जब वो पहुंचा तो उसको एक बहुत बड़ा संदूक मिला। रूस का आदमी जब पहुंचा बहुत बड़ा संदूक मिला, संदूक में बहुत बड़ा ताला लगा था, बहुत बड़े ताले की बहुत बड़ी चाबी थी, उसने चाबी से ताले को खोला, ताले से संदूक, फिर ताला हटा के संदूक को खोला, संदूक में अष्ट धातु का पत्र था, उस पत्र पे कुछ 4 लाइन लिखा हुआ था, उसने पढ़ने की बड़ी कोशिश की लेकिन पढ़ नहीं सका। वो आकर के
अपनी देश की संसद में ये बात बताया कि मुझे कुछ चंद्रमा पर ऐसा मिला जिसको मैं पढ़ नहीं सका हूँ, उस पत्र को उसी संदूक में रख के ताला मार के और मैं चाबी वहीं रख के आ गया हूँ। फिर बात देश की संसद में आई, भारत के संसद में आई, और फिर यहाँ से राकेश शर्मा जी को भेजा गया, वो भी वैसे पहुंचे, उन्होंने भी संदूक को खोला, ताले को खोला और उस अष्ट धातु के पत्र को निकाला, और भाई साहब उस पत्र पर चार लाइन में लिखा हुआ था, नवंबर जस मजा। नवंबर जस मजा जनवरी माँ न पई हो, नवंबर जस मजा जनवरी माँ न पई हो, और गद्दा जस मजा दरी माँ न पई हो, और ठांस के पिस्टल बुलेट से चली हो, दरोगा जस मजा मास्टरी माँ न पई हो। अब मेरी इच्छा है कि एक अंतिम रचना थाने ग्राम लीला, अगर समय हो तो सुना दूं या जैसा लगता है। नहीं, एक पुस्तक कर दीजिए हमारे स्वागत है। थाने ग्राम लीला महेंद्र, एक पुस्तक पढ़िए, क्या बात मुक्तक कि राहों में हाँ। एक समय बहुत ज्यादा जो शब्द सुनाई देता है वो शब्द है पापा की परियां। तो राहों में जब भी मैं अक्सर चलता हूँ, अपनी साइड सदा पकड़ कर चलता हूँ, और ठोंक न दे वो मुझे कहीं से आकर के, अरे पापा की परियों से बचकर चलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका आभार। एक बार ताली बजा दीजिए, मैं अपना काम पर समाप्त करता हूँ। बहुत